कुछ पूछना चाहते हैं तो दो तीन आदमी अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखिए वो तो आजाद प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री से किस प्रकार का संबंध था? वो तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते होंगे। जब आजाद प्रत्याशी थे तो उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था और उनको जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए था। अब क्यों आजाद प्रत्याशी क्यों रिजाइन कर रहा है, ये गहराई से छानबीन करने की जरूरत है आप लोगों को भी, कि क्या कहीं वो नोटों के दम पर तो नहीं उन्होंने अपने ईमान को गिरवी रख दिया था और दबाव इतना था कि उनको इस्तीफा देना पड़े। वो तो ना कांग्रेस के थे ना भारतीय जनता पार्टी के थे, उन पर किस प्रकार का दबाव था, क्या किस प्रकार से वो आगे इस प्रकार के बात रिजाइन कर ले? और आप ही हेलीकॉप्टर में रहे हैं और आप ही सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में आ रहे हैं और जा भी हेलीकॉप्टर में रहे हैं, तो आप बताइए इतना सारा धन का प्रयोग क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? और किस तरह वो चुनाव जीत कर अगर आजाद प्रत्याशी आते हैं और आजाद चुनने के बाद वो फिर उस क्षेत्र की जो 25-30 हज़ार लोगों ने जिन्होंने उनको वोट डाला है, जिनके दम पर वो चुन कर आए, उनकी भावनाओं से तो नहीं खिलवाड़ कर रही है आजाद प्रत्याशी? तो ये चीज़ें समझने की जरूरत है। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने की कोशिश है, हिमाचल की जनता इसको कभी सहन नहीं करेगी। और मुझे आप ही के द्वारा पता लगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो कुछ गलत किया होगा ना तभी दिया इस्तीफा, सही करने वाले क्यों नहीं देते इस्तीफा? भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? तो किसी न किसी तरह जब ये लोग देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि जनता के वोट से जब इन्हें सत्ता नहीं मिलती, जनता के वोट से सत्ता में नहीं आते, तो कोशिश ये की जाती है कि नोट के दम से सत्ता हथियाई जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जाए। धन्यवाद।